कई सरकारी ऑफिस में ताला लग सकता है। दरअसल अमेरिकी सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं बचा है। अमेरिकी संसद में सरकार के खर्च के लिए फंड को मंजूरी नहीं मिली है। हाउस को फंड से जुड़ा बिल शुक्रवार की आधी रात तक पास करना था। अप्रवासियों के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहने से फंड को मंजूरी नहीं मिल सकी। बिल पास न होने से अमेरिका में आधिकारिक रूप से शटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि छुट्टी की वजह से इसका असर कल दिखेगा। सरकार सोमवार को कई सरकारी प्रतिष्ठान को बंद रख सकती है, जिससे सेना, सुरक्षा सहित जरूरी सेवाओं के लिए फंड बनाया जा सके। सरकार फिलहाल 3 हफ्तों के फंड के लिए सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे इस दौरान विपक्ष के साथ गतिरोध के मुद्दों पर बात की जा सके। इससे पहले भी ओबामा के दौर में अमेरिका ने शटडाउन का सामना किया था। तब भी सरकारी म्यूजियम, लाइब्रेरी सहित कई गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में काम कर रहे लोगों को घर बैठना पड़ा था। उस साल 2013 में भी अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हेल्थ केयर बिल को लेकर ओबामा सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध से जरूरी फंडिंग को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। इसके बाद अमेरिका में 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक शटडाउन रहा। ये अमेरिका इतिहास के 18 शटडाउन में तीसरा सबसे बड़ा शटडाउन था। इससे पहले 1995-96 का शटडाउन सबसे ज्यादा 21 दिन तक चला था। इस दौरान करीब 8 लाख सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को बिना वेतन छुट्टी लेनी पड़ी थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक शटडाउन के दौरान हर हफ्ते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं मूडीज के मुताबिक पूरे शटडाउन में नुकसान $5,500 करोड़ का था। शटडाउन की वजह से ही ओबामा को अपना एशिया दौरा भी रद्द करना पड़ा था।